Hello student, now we are going to remaining topics of chapter 2 because from today we are going to start chapter 3. Okay, this is the food pipe esophagus. The solid food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. देखिए इसमें कह रहा है कि जो सॉलिड फूड यानी जो हम फूड लेते हैं निगलते हैं वो फूड पाइप या इसोफेगस इसे कहते हैं फूड पाइप है इसके द्वारा ये एक बॉडी ये जो है स्टमक में जाता है ठीक है. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक ये नेक से होके गुजरता है एंड चेस्ट से द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप और फूड पाइप जो है पुश्ड किया जाता है जो फूड पाइप का वॉल होता है सॉरी जो फूड लेते हैं हम वो पुश्ड किया जाता है फूड पाइप के वॉल द्वारा ठीक है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड द पुशेस फूड डाउनवर्ड्स एट अ टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक इज वोमिटेड आउट. रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीजन फॉर इट. डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर. अब देखिए कह रहा है कि इसमें एक एक्चुअली मूवमेंट होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है जो एलिमेंट्री कैनल होता है उससे स्टार्ट होता है और फूड को डाउनवर्ड्स यानी पीछे की ओर क्या किया जाता है धक्का दिया जाता है. वहीं जब हम वोमिटिंग करते हैं वोमिटेड की कंडीशन में ये क्या होता है ये प्रोसेस अपोजिट हो जाता है ठीक है. और वोमिटिंग की कैसे होता है इसको कह रहे हैं आप अपने पार्टनर से या टीचर से तो अभी आप घर में हो तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो ठीक है. इसको अब देखिए नेक्स्ट है द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग. स्टमक क्या है एक वॉल्ड बैग है बैग जैसे स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर. देखिए ये स्टमक है ये बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ठीक है. अब देखिए कह रहा है कि इट्स शेप लाइक फ्लैटेड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. और इसका शेप जो होता है ये यू शेप में होता है और ये जो होता है इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन इन एंड ओपन्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. कह रहा है कि जो ये फूड को रिसीव करता है कहाँ से तो ये फूड रिसीव करता है आपको फूड पाइप से और ये ओपन होता है इसका दूसरा हिस्सा कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है. यानी फूड ऊपर का हिस्सा किससे जुड़ा होता है फूड पाइप से और नीचे का हिस्सा जो होता है वो आप यहाँ शेप में देख लीजिए फिगर में. ये देखिए ये है फूड पाइप इससे एक हिस्सा जुड़ा हुआ है और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये देखिए यहाँ से जाके ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ठीक है. तो द इनर लीनिंग ऑफ द स्टमक सैक्रेट मसुकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस द मुकस protect the sorry this is the mucus protects the lining of stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes medium in the stomach acidic and helps the digestive juices at it. The digestive juices break down proteins into the simpler substances. कह रहा है आपको यहाँ कि जो इसका इनर स्टमक होता है वो मुकस को ये करता है सेक्रेट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो फूड को ये सब जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं
जो आपको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल्स करता है जो फूड के साथ हमारे स्टमक में इंटर कर जाते हैं। इसके अलावा मीडियम जो स्टमक में एसिड होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस की तरह भी एक्ट करता है। एक चीज़ आप जानते हैं कि घर में बर्तन में खाना बना के रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, डिस्पॉयल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसमें बदबू आने लगती है। बट जो पेट में खाना होता है वो स्पॉयल नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये उस फूड को प्रिजर्व करता है, ठीक है, संरक्षित होता है। कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें खट्टी डकार आती है ना, सावर खट्टी डकार आती है। इसका भी रीज़न है कि हमारे बॉडी में क्या है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और आपको पता है कोई भी एसिड होता है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये क्वाइल्ड शेप में होता है। क्वाइल शेप कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, और इसकी लेंथ जो है 7.5 मीटर होती है, ठीक है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूसेस। अब देखिए ये जो होता है लीवर से और पेनक्रियाज से जूस सेक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एडोमन ऑन द राइट साइड। एडोमन मीन्स होता है पेट, पेट में राइट साइड में लीवर जो होता है वो ब्राउन कलर का, ठीक है, एक ग्लैंड्स है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपको पता है जब किसी का के बॉडी में डाइजेशन सही से नहीं होता तो कहते कि इसका लीवर ख़राब हो गया है। क्यों? क्योंकि लीवर से जो जूस सेक्रेट होते हैं वो डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल एक्ट करते हैं, और पैनक्रियाज जो पेनक्रेटिक जूस होते हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे फूड के डाइजेशन में। ओके, इट सेक्रेट्स बिल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गाल ब्लडर। और देखिए बिल जूस होता है जो दैट इज स्टोर्ड सैक कॉल्ड, ये कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लडर में स्टोर होता है, ठीक है। द बिल प्लेस्ड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और बिल जूस जो होता है डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, जो कहाँ से स्टोर रहता है, हमारे गाल ब्लडर में स्टोर रहता है, ठीक है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड्स लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के ठीक नीचे क्रीम कलर का पेनक्रियाज जो है एक स्ट्रक्चर है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये जो है पेनक्रियाटिक जूस जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड हैं हमारी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है कौन, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है जो पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है, ठीक है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सुगर सच एज ग्लूकोज फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड द प्रोटीन्स इनटू द एमिनो एसिड्स। कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स है
ठीक है, अब कह रहा है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो थोड़ा थोड़ा होके नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, वेयर इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, जहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, ठीक है, जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के सभी कंपोनेंट के डाइजेशन में को कंप्लीट करते हैं, द कार्बोहाइड्रेट ग्रेट बोकन इनटू द शुगर, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है सिंपलर शुगर में जैसे ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रोटीन्स इन द एमिनो एसिड, ये छोटे सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है।